भगवान जी के बहुत बड़े भक्त है रखने से हमारे जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं भगवान की सेवा करनी चाहिए ये सारी चीजें हमें बचपन से सिखानी चाहिए नहीं तो फिर बड़े होके फिर हमें आलस आता है कि हम ये क्यों करें किस लिए करें किस लिए करेंगे भगवान जी जब खा लेते हैं प्रसाद को तो वो बहुत टेस्टी हो जाते हरे कृष्णा नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ इसका भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन वर्जन सुना है नन्ना मुन्ना राही हूँ प्रभुपाद का सिपाही हूँ और आज हम बात करने वाले हैं प्रभु के छोटे से सिपाही से हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्या नाम है आपका मुकुंद ठाकुर मुकुंद ठाकुर अरे वाह बड़ा ठाकुरों वाला नाम है अच्छा आप स्कूल जाते हो जी जाते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो थर्ड क्लास थर्ड क्लास में अच्छा इतना सुंदर आपने तिलक लगाया है ड्रेस पहना इस ड्रेस को क्या बोलते कुर्ता तो आप ये धोती कुर्ता पहन के स्कूल जाते हो क्या हाँ जी तो उसको में डांटनी पड़ती नहीं पड़ती क्यों? क्यों क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्कूल है डिवोशनल चीज़ें होती है उसके अंदर हर हर चीज़ हर चीज़ डिवोशनल है और गुरुकुल के जैसा आपका स्कूल गुरुकुल के जैसा है क्या नाम है आपके स्कूल का कृष्णा बलराम कॉम्यूडिटी डे स्कूल अच्छा तो आप कृष्णा बलराम के स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में सारे बच्चे ऐसे ही ड्रेस पहन के आते हैं अरे वाह कब से पहन रहे हो आप ये ड्रेस ये कुछ ऐसे हो गए पाँच छः साल हाँ छः साल से अच्छा तो आपने ये तिलक लगाया है इस तिलक के बारे में हमें कुछ बता सकते हो हाँ ये ब, ये चरण भगवान के और ये भगवान की तुलसी है अच्छा अभी तो आपने हमें तिलक के बारे में बताया है पर तिलक लगाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है जैसे मैंने बताया है कि प्रभुपाद का छोटा सा सिपाही है हमारे साथ तो आप भक्ति कब से कर रहे हो बचपन से बचपन से अभी तो आप बचपन में ही हो अभी आप बूढ़े थोड़ी ना हो गए हो नहीं मैं जब पैदा हुआ था तब से पैदा हुए थे तब से भक्ति कर रहे हो क्या अच्छा लगता है भक्ति करने में भगवान की माला माला करना माला करने में अच्छा लगता है और और गीता पढ़ना भागवत पढ़ना और बहुत सारे भगवान की सेवा करना मतलब जगन्नाथ जी हमारे घर में तो उनकी सेवा करता हूँ मैं और गौरिताई जी की सेवा करता हूँ लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ लड़की भगवान की सेवा करता हूँ वाह इतनी सारी चीज़ें करते हो आप और जैसे कि ये बता रहे हैं कि गीता भी पढ़ते हैं इतनी छोटी सी उम्र है और आप भगवत गीता भी पढ़ते हो अच्छा अगर कोई श्लोक अगर आपको बोला जाए कि बताना है तो कौन सा श्लोक बताओगे मन मना मन मत मधभ तो मध्या जी न करो माँ मैं बै जैसी सत्यम तय में इसका मतलब क्या होता है मेरी पूजा करो मेरी सेवा करो मेरे भक्त बनो अरे इस इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे अच्छा तो आपको इस पर बिलीव है कि आप ऐसे भक्ति करोगे तो आप भगवान के पास चले जाओगे है है बिलीव तो भक्ति में और क्या क्या चीज़ें करते हो आप जैसे भगवान के पास मतलब जैसे मंदिर जाते हैं स्कॉन मंदिर जाते हैं ना हम तो स्कॉन मंदिर में देखता हूँ मैं कि भगवान की ड्रेस कैसी है दर्शन करता हूँ मैं जाके अच्छा कि कौन सी ड्रेस है फिर मैं मम्मी को बताता हूँ कैसे कैसे भगवान जी सजे हुए हैं कैसे ड्रेस है और सब चीज़ें बताता हूँ अच्छा, तो आपको भगवान को देखना अच्छा लगता है अच्छा यदि बात करें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो उन्होंने बहुत सारी लीला करी है तो आपको आता है ऐसे कोई लीला भगवान की जैसे काल्यानाग था कालियानाग की स्टोरी है वैसी मैं आपको बताता हूँ स्टोरी है वो कालियानाग की स्टोरी बताता हूँ भगवान श्री कृष्ण एक दिन खेल रहे थे यमुना नदी के पास बॉल से गेंद से मतलब तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो बॉल नदी में चली गई तो फिर यमुना नदी में चली गई तो फिर भगवान श्री कृष्ण गए नीचे तो काली नाग सो रहा था तो उनकी जो पत्नी थी तो उन्होंने कहा कि अभी तो नाग सो रहा है और वो बोल नाग के पास काले नाग के पास पड़ी है तो आप उठा के देख देख लो अगर उठ गए तो पता नहीं क्या होगा तो फिर बस कृष्ण जी गए और देख के आए कालिया नाग काला मतलब कालियानाग जी से बोल लेके आए तो फिर नाग करल उठ गया तो फिर बोल तो अपने दोस्तों के दोस्तों को दे दी और फिर वो उनमें बस लड़ाई सी हो गई थी थोड़ी सी तो फिर तो फिर वहाँ पे फिर जब लड़ाई ख़त्म हुई जब उसके सारे जहर निकल गया तो फिर तब फिर कृष्ण जी नाशने लगे उनके सिर पे तो उनकी चरण कमल की मतलब पैर के निशान हो गए सिर पे तो फिर तो फिर वहाँ पर उनकी पत्नी आई नाग की तो बोलने लगी कि इनके सब में इनके सिर में तो सब सब विष निकल गया तो वो कैसे गुरुदेव को मतलब गरुदेव कैसे उनको जाने देंगे तो वहाँ पे फिर वो गए तो फिर गरुड़देव उनके सिर पे निशान देख के उनको वहाँ पे रहने दिया अच्छा तो कालिया नाग के पास मतलब बहुत सारा जहर था और वो भगवान श्री कृष्ण से मतलब डांस करने लगे भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर तो ख़त्म हो गया सारा जहर ये सारी स्टोरी आपको कौन बताया मैंने इसको सुनी है अच्छा जैसे आपने बताया कि आप यहाँ पर स्कॉन जाते हो स्कॉन वृंदावन वहाँ पर तीन तीन विग्रह है तो तीनों विग्रह में से सबसे ज्यादा आपको कौन सा विग्रह पसंद है राधा श्याम सुंदर जी का राधा श्याम सुंदर उनके बारे में थोड़ा बता सकते हो राधा श्याम सुंदर जी मतलब वहाँ पे जब प्रभात जी गए थे तो प्रभा जी ने वो टेम्पल बनाया था अमेरिका गए थे वो वहाँ पे भी टेम्पल बनाए उन्होंने बहुत सारे और फिर यहाँ पे भी बनाए उन्होंने इसकॉन मंदिर तो उसके अंदर वहाँ पे सबसे पहले गौर नेताजी की मतलब स्थापित करी थी मूर्ति फिर उसके बाद कृष्ण बलराम जी की फिर लास्ट में श्याम सुंदर जी की करी थी मूर्ति स्थापित और प्रभुपाद के बारे में आप क्या जानते हो प्रभुपाद जी भगवान जी के बहुत बड़े भक्त हैं अच्छा और और मतलब वो भगवान जी के पास गोलोक धाम में है अभी अच्छा तो वो गोलोक धाम में है अच्छा अच्छा ये आपके गले में जो है इसको क्या बोलते हैं जापा माला जपा माला तो आप जपा भी करते हो कितनी राउंड करते हो जैसे एक आदची तो मैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव नहीं तो फिर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर राउंड चैंटिंग इतनी छोटी सी एज में सिक्सटी फोर राउंड चैनटिंग करते हो आप वाह सच ह्यूज नंबर कैसे काउंट करते हो आपकी सिक्सटी फोर हुआ है मैं माला करती रहती हूँ और फिर जब काउंट कर जब काउंट नहीं होती तो फिर मैं count, मतलब नोटबुक पे लिख लेता हूँ कि कितनी माला मैंने कर ली है अच्छा तो आप एकादशी भी रखते हो क्या होता है एकादशी व्रत रखने से एकादशी व्रत रखने से भगवान जैसे हमारे जो पाप होते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं उसका जो फल मिलता है जिससे जो से फल होता है जो एकादशी रखने का अच्छा मतलब एकादशी रखने से आप कह रहे हो कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका फल भी हमें प्राप्त होता है अच्छा तो अभी आप वृंदावन में रह रहे हो वृंदावन के बारे में लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भगवान यहाँ पे स्वयं विराजते हैं यहाँ पे रहते हैं खेलते हैं तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि भगवान आपके साथ खेलने आए हो क्योंकि आप तो वृंदावन में रहते हो हाँ एक बार हुआ था ऐसे में जब यहाँ पे गौशाला में खेल रहा था तो मुझे खेल खेलते खेलते बस यहाँ पे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे साथ कोई खेल रहा है मैं अकेला खेल रहा था यहाँ पे अच्छा। मेरा भाई किसी और के साथ खेल रहा था और मैं यहाँ पे अकेला खेल रहा था तो मेरे साथ कोई खेल रहा था और फिर मैंने उनके साथ पकड़म पकड़ाई भी खेली भगवान श्री कृष्ण के साथ आपने पकड़म पकड़ाई खेली कैसे आपको पता चला कि वो भगवान है और आपके साथ खेल रहे हैं मुझे बस वो पहले मुझे ऐसा लग रहा कोई कोई बजा रहा है यहाँ पे बैठा हुआ फिर मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा अच्छा आपको भगवान श्री कृष्ण की कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय है बांसुरी बांसुरी आपको आती है बजानी बांसुरी आती है अरे वाह और क्या क्या चीज़ आपको आता है मृदंग करताल हारमोनियम अच्छा इतनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं अच्छा अगर आपको मैं बोलूं कि कोई भजन सुनाओ भगवान श्री कृष्ण का तो आप सुना पाओगे सुना नदिया गोद्र नित्यानंद महाजन पाती है नामाटा महाटा जीव रखा श्रद्धा श्रद्धावान जाना है श्रद्धावान जान पाती है नामाटा महाटा जीव रखा प्रभु आई आए, आए, आए भिक्षा लो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा अपराध होए लो कृष्ण कृष्ण पिता सर्वधर्म सार गो दो महाजन पाती अजय नाम अरे वाह आपने तो बहुत ही अच्छा भजन सुनाया है कहाँ से सीखा आपने ये मैंने स्कूल से सीखा भजन अच्छा आपके स्कूल में और क्या क्या सिखाते हैं मेरे स्कूल में बहुत सारे डिवोशनल चीज़ें चीज़ सिखाते हैं जैसे अभी दामोदर टर्म चल रहा है और भी अभी कृष्ण जी का टर्म चल रहा था बहुत सारे टर्म चले अभी तो तो मतलब फेस्टिवल के हिसाब से चीज़ें सिखाई जाती है आपके स्कूल में हाँ जी तो आप जो बुक्स पढ़ते हो वो तो सारी कृष्णा से रिलेटेड बुक्स होगी है ना हाँ जी अच्छा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गुरुकुल नहीं जाते हैं वो स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे कृष्णा की तो कोई पढ़ाई नहीं होती तो आप उन बच्चों को बता सकते हो कि गुरुकुल जाना क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए ये सारी ये चीज़ें हमें बचपन से सिखानी चाहिए नहीं तो फिर बड़े होकर फिर हमें आलस आता है कि हम ये क्यों करें किस लिए करें किस लिए करेंगे जैसे हम जैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती कि जैसे गुरुकुल के जैसे होती है ऐसी चीज़ें नहीं हैं वहाँ पे इस वजह से मम्मी हमें हरिद्वार से यहाँ पे ले आई अच्छा कि यहाँ पे स्कूल में अच्छा रहेगा तो ये बचपन से सीखेंगे तो बड़े होकर इनको आलस नहीं होगा कि ये क्यों करना है किस लिए करेंगे क्यों नहीं कर, क्यों करेंगे मतलब इस तरह के सवाल हमारे मन में नहीं आएंगे इनका ऐसा कहना है कि अगर हम यदि बचपन से ही गुरुकुल जाते हैं तो हम भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं और अच्छी संस्कार एक अच्छे संस्कार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ये बता रहे हैं कि आगे चल कर के कभी रिग्रेट नहीं होगा बहुत सारे सवालों के जो द्वंद्व खड़े हो जाते हैं हमारे मन में वो नहीं होंगे बहुत ही छोटे हो आप और इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी बातें आप बता रहे हैं कौन सिखाता है आपको मम्मा सिखाती है ज़्यादा या पापा सिखाते हैं दोनों दोनों सिखाते हैं अच्छा अच्छा कृष्णा के महाप्रसाद में आपको क्या अच्छा लगता है हलवा हलवा अच्छा लगता है क्यों पसंद है आपको हलवा क्योंकि वहाँ मतलब भगवान भा, जी जब खा लेते हैं प्रसाद को तो वो बहुत टेस्टी हो जाते हैं इस वजह से अच्छा तो क्या हमें हमेशा महाप्रसाद या फिर भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए वो तो आप बाहर की चीज़ें नहीं खाते हो नहीं अच्छा जैसे आपने बताया था कि आप जब पैदा हुए थे तब से आप भक्ति कर रहे हो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि हमें भक्ति तो ये तो बुढ़ापे का काम है ना हम अभी से क्यों करें तो आप उन लोगों को बता सकते हो कि भक्ति बचपन में करनी चाहिए या फिर बूढ़े होने पर बचपन से करनी चाहिए क्योंकि फिर बूढ़े हो के हमसे फिर न चले जाता है ना कुछ काम करे जाता फिर आलस आता है कि यूँ क्यों करना है ऐसे क्यों करना है फिर भक्ति हो नहीं पाती सही से बूढ़े हो जाते तो फिर हाथ पैर काम नहीं करते इस वजह से अच्छा तो इसलिए हमें बचपन से भक्ति करनी चाहिए अच्छा भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए पर हम क्यों करें भक्ति क्योंकि भक्ति भक्ति क्योंकि बहुत जरूरी है और उस भक्ति करके फिर हम भगवान के पास भी जाते हैं भक्ति करके हम भगवान के पास चले जाएंगे कहाँ रहते हैं भगवान गोलोक गोलोक धाम अच्छा जैसे आपने बताया कि आप बचपन से ही भक्ति कर रहे हो और साथ में आप स्कूल भी जाते हो गुरुकुल अच्छा मुझे ये बताओ कि पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर भक्ति करना ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करना अच्छा क्यों पढ़ाई करना क्यों ज़रूरी है क्योंकि फिर हम जब पढ़ाई कर लेंगे तो फिर हम भगवान की बुक्स बुक्स पढ़ पर, पढ़ना आ जाएगा हमें और जैसे भागवतम गीता और भी बहुत सारी बुक्स है भगवान की वो अच्छा और भक्ति का क्या फिर भक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है अच्छा भक्ति करके क्या होगा भक्ति करके हम भगवान के पास जाएंगे अच्छा और उनके पास जाके क्या करेंगे सेवा करेंगे भगवान की अच्छा अच्छा आपने बताया था कि आपके घर पे जगन्नाथ जी है आप उनकी सेवा करते हो तो, तो आप बता सकते हो कि जगन्नाथ जी की सेवा आप कैसे करते हो सबसे पहले जब जगन्नाथ जी को हम उठाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहले जगन्नाथ जी को भी तो अभी ठंड शुरू हो गई है तो इस वजह से जगन्नाथ जी को भी तो ठंड लगती होगी ना ठंडे पानी से तो इस वजह से पहले जगन्नाथ जी का पानी ग्रव करता हूँ फिर उसके बाद जगन्नाथ जी को नहला के कपड़े पहनाता हूँ फिर उनका श्रृंगार करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको जगन्नाथ जी ज़्यादा पसंद है या फिर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर अच्छा मैं एक और बात बताना चाहता हूँ मेरे सपने में नरसिंह भगवान जी आए थे अच्छा आपके सपने में नरसिंह भगवान आए थे क्या किया था उन्होंने सपने में मतलब मुझे मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं पे मतलब जैसे जंगल होता है ना जंगल में शेर आ गए मतलब मुझे पकड़ पकड़ लिया शेर ने और फिर मुझे बचाने कोई भी नहीं, नहीं है वहाँ पे मैं आवाज़ दूँगा तो आवाज़ गूंज सी है आवाज़ गूंज रही है और फिर मैंने मैं फिर भगवान नरसिंह भगवान जी को याद करने लगा तो नरसिम्भ भगवान जी फिर मेरे सपने में बचाने आए मुझे वो तो आपने नरसिम भगवान को याद किया अच्छा अच्छा बहुत सारे लोग ना आपको अभी टीवी पे देख रहे हैं तो यदि आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे तो क्या मैसेज दोगे जो बच्चे हैं छोटे से जो स्कूल जाते हैं गुरुकुल नहीं जाते और जो अभी भक्ति में नहीं आए हैं भक्ति में आना चाहते हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे भगवान के रोज़ दर्शन करो मतलब जैसे अभी स्कॉन मंदिर में रोज़ टीवी पे दिखता है और और सब फो फोन पे भी सेंड कर देते हैं भगवान की सारी चीज़ें जैसे भगवान को दर्शन दिखा देते हैं तो वीडियोस देखो भगवान की और लेक्चर सुनो तो इससे आप भक्ति में आओगे भगवान की और माला माला करो नहीं तो एक एक दो माला शुरू करो अच्छा माला करने के बाद क्या होगा माला करने के बाद जो हमारे जो उसको फल मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही प्यारे और बहुत ही नटखट भक्त हमारे साथ आज जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है और मैसेज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिया है कि हमें भक्ति अवश्य शुरू करनी चाहिए स्कॉन के बहुत सारे वीडियोस देखने चाहिए लेक्चर्स सुनने चाहिए जिससे हम भक्ति में और दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं इसी के साथ हम मिलेंगे एक नई कड़ी में अभी के लिए लेते हैं विराम बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें सेवन ट्रिपल सिक्स एट थ्री नाइन एट थ्री नाइन